हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में के एन दादूवाला की लाइफ एंड वर्क को डिस्कस किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप के एन दादूवाला की किसी भी पोएम का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप उस पोएम का टाइटल और एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये के एन दादूवाला है जो कि एक इंडियन पोएट है और बहुत कुछ है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और एक आईपीएस ऑफिसर भी थे ये। तो अब इनकी लाइफ के बारे में यहाँ पर देखते हैं। के एन दादूवाला का जन्म 1937 में हुआ था लाहौर में, जो कि अभी ये पाकिस्तान में है। और इनका फुल नेम, हम इनको के एन दादूवाला के नाम से जानते हैं, मगर इनका फुल नेम केकी नासिरवान जी दादूवाला है। और ये एक इंडियन पोएट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और इससे पहले एक आईपीएस ऑफिसर भी थे। और हालांकि ये तो लाहौर में पैदा हुए थे जो कि भी पाकिस्तान में, मगर अभी वो सेटल हो गए हैं दिल्ली में और अभी वो दिल्ली में रह रहे हैं। उनके फादर एनसी दादूवाला एक जो है बहुत ही एमिनेंट प्रोफेसर थे और जिस कॉलेज में थे उस कॉलेज का नाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था, लाहौर में था ये। और के एन दादूवाला ने जो एमए किया था इंग्लिश लिटरेचर में, ये गवर्नमेंट कॉलेज से लुधियाना से किया था, जो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से अफिलिएटेड था। और ये 1980 and 81 में, यानी एक साल के लिए क्वीन एलिजाबेथ हाउस फेलो भी रहे हैं। तब वहाँ पे ये इस वक्त ऑक्सफोर्ड में थे, यानी ये एक फेलोशिप है। इस फेलोशिप पे वो वहाँ पर 1 ईयर के लिए इंग्लैंड में गए थे, ऑक्सफोर्ड में। और चूंकि हम जानते हैं कि वो एक आईपीएस ऑफिसर थे, तो एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते उनको जो है डिफरेंट पार्टीज़ के साथ जो है काम करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली। और इसके अलावा उन्होंने उन सब पार्टियों से या डिफरेंट तरह के लीडर से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनको बहुत सारी जो है लाइफ की हार्श रियलिटीज़ का भी सामना करना पड़ा। और उन्होंने अपने इन सारे एक्सपीरियंसेस को, डिफरेंट तरह के लोगों से मिलना, डिफरेंट पार्टीज के साथ मिलकर काम करना, तो इनके ये सारे जो एक्सपीरियंसेस थे, इनके इन सारे एक्सपीरियंसेस ने इनकी पोइट्री को डेवलप करने में बहुत हेल्प की। यानी उन्होंने अपने इन सारे एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं अपनी पोइट्री में किसी न किसी फॉर्म में शो करने की कोशिश की है, उसको अपनी थीम बना लिया है। और ये प्राइम मिनिस्टर के जो है ये इंटरनेशनल अफेयर्स में स्पेशल असिस्टेंट भी रहे हैं और वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बनकर लास्ट में रिटायर हुए। के एन दादूवाला को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 1984 में, और जिसको उन्होंने 2015 में रिटर्न कर दिया था। और रिटर्न उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त जो है जो भी राइटर्स थे हमारे कंट्री के, इंडिया के, या फिर जो भी ऑथर्स थे, उन पर एक फिज़िकल वायलेंस हो रहा था, किसी को मार दिया जा रहा था, किसी को धमकी दी जा रही थी, तो उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने साहित्य एकेडमी अवार्ड को रिटर्न कर दिया था 2015 में। और ये हम जानते हैं कि जो ये हमारे कंट्री के इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश के, यानी ये इंडियन पोइट्री को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे, तो उसके एक बहुत ही लीडिंग फिगर, प्रोमिनेंट फिगर थे। और नसीम एजिकल हम जानते हैं, जो कि एक दूसरे जो है इंडियन इंग्लिश राइटर थे, इंडियन इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने दादूवाला के बारे में कहा है कि दादूवाला हैज़ द एनर्जी ऑफ द लायन, कि दादूवाला के अंदर एक लायन की, एक शेर जैसी ताकत है। तब के एन दादूवाला के कुछ बुक्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। हालांकि इन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, मगर मैंने यहाँ पे थोड़े बुक्स को मेंशन किया है, जैसे इन मॉर्निंग ड्यू है, अंडर ओरियन है, स्वर्ड एंड एबिस अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, ये विंटर पोएम्स है, लैंडस्केप्स है, समर ऑफ टाइगर्स ये भी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, द स्केयर क्रो एंड द गोस्ट ये भी उनका जो है पोएटिक वर्क है। तो उन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, मगर मैंने इतनी बुक्स को मेंशन किया है। और अब जरा इनके कुछ अवार्ड्स को भी देख लेते हैं। और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले के एन दादूवाला को, मगर यहाँ पे मैंने थोड़ा ही मेंशन किया है।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनको 1984 में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था, और ये इनके बुक द कीपर ऑफ द डेड के लिए मिला था, और उनको 2014 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, और 1972 में उनको उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड मिला था, जो उनकी बुक है अपोजिशन इन अप्रैल उसके लिए, और 1987 में के एन दारूवाला को कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज़ फॉर एशिया भी मिला था। और इसके अलावा भी इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले, मगर मैंने बस इतने ही मेंशन किए हैं।